इसको आप तो देखे थे, इसका टूटा हुआ नहीं था वैसे। क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए? व्हाट इज़ अप। तो आज हमारा प्लान है अपने बुलेट को सर्विस कराने का। तो ये हमारे बुलेट का सेकंड सर्विसिंग होगा। तो मेरे को बार बार रॉयल एनफील्ड से कॉल आ रहा है कि आप सर्विसिंग कराओ। तो मैंने फाइनल किया कि मैं जाके अपने बुलेट का सर्विसिंग कराऊंगा। एक्चुअली आप अपने बुलेट का सर्विसिंग या तो सेकंड सर्विसिंग है तो 5000 किलोमीटर पे करा सकते हो या फिर 6 मंथ्स पे। तो मेरा तो 5000 अभी हुआ नहीं भाई, मेरा तो अभी अराउंड 4000 समथिंग दिखाता हूँ मैं। मेरे बुलेट का सर्विसिंग हो गया है 4290, बट वी हैव कम सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर 6 मंथ्स, दैट्स व्हाई। चलो आज हम अपने बुलेट का सेकंड सर्विसिंग कराते हैं। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मिलता हूँ सीधे आपसे रास्ते में। निकलते हम सीधा रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर और कराते अपने बाइक की सेकंड सर्विसिंग। यार तुम लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वाला हेलमेट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो यार मेरे पास भी वो एनफील्ड का हेलमेट था मगर साले किसी ने चोरी कर लिया। तो कोई नहीं, मैं अपने RTR का हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ। ये भी बहुत सही है स्टड्स का, और अब ये स्टड्स का या फिर स्टील बट्स का ही हेलमेट यूज़ किया करो, काफ़ी सेफ होता है। यार मेरे में यार एक बहुत ही अच्छी आदत है कि मैं हमेशा अपनी चीज़ों को भूल जाता हूँ। तो मैंने फिलहाल अपना मास्क भूल गया था, तो मैंने यहाँ से एक मास्क परचेज़ किया। यार कभी भी क्राउड में जाओ तो आप लोग भी हमेशा मास्क यूज़ किया करो। तो मैंने अपना मास्क यूज़ कर लिया है और आगे निकलता हूँ मैं सर्विस सेंटर के लिए फिलहाल। पेपर बनने के लिए दे दिए क्या भैया? पेपर दे दिए बनने के लिए? ठीक है, सर्विस बुक कीजिए। हाँ अभी तो मेरा सेकंड सर्विसिंग है, मेरा 5000 चला भी नहीं है, लेकिन वो बोले फोन आ रहा था कि 6 मंथ्स होने पे हो जाएगा। मेरे गाड़ी का बैकलाइट टूट गया है तो उसका प्राइस पता नहीं। रॉयल एनफील्ड के पीछे वाले बैकलाइट का क्या प्राइस पड़ता होगा? ये वाला है बुलेट X350, इलेक्ट्रा है। हाँ इलेक्ट्रा वाला ही बैकलाइट लगता है, X350 है नया वाला नहीं है? है नहीं। ओके, इसका स्टैंड भी अब बहुत उसका स्टैंड बहुत ज़्यादा जैम है, मतलब लगता नहीं आसानी से। हाँ सिंगल स्टैंड तो आपको ढीला करना। हाँ वो ढीला करवा दीजिएगा। और ब्रेक कभी कभी आवाज़ करता है हल्का सा, पीछे वाला ब्रेक। तो भाई गाड़ी अपनी सबमिट कर दिया है इन लोग के वहाँ सर्विस सेंटर में अपनी बुलेट को, और अब वेट करता हूँ। और इन्होंने कहा है कि 1 बजे तक मेरे को ही मेरा गाड़ी हैंड ओवर कर देंगे वापस। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और ये कैसे सर्विसिंग करते हैं। मैं अंदर आ गया हूँ फिलहाल सर्विस सेंटर, यहाँ पे हमारा गाड़ी सर्विस होने वाला है। तो ये अब मेरी गाड़ी को लेके जा रहे हैं भैया सर्विसिंग करने के लिए। भैया इसका थोड़ा पीछे वाला ब्रेक जो है हल्का कभी कभी चौंचो करता है, और स्टैंड इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो ज़रा लूज़ कर दीजिएगा।
भाई गाड़ी तो चला गया सर्विस सेंटर अंदर, जो होगा वो सर्विस करके देंगे। और मैं और मेरा दोस्त अब जा रहे हैं थोड़ा वेट करने, ये यहीं रहता है तो ये आया था मेरे साथ मेरे को वो कंपनी देने के लिए ताकि मैं मोर मार जाऊँ, तो मैं वेट करूँ। इसको तो देखे तो इसका टूटा हुआ नहीं था वैसे, क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए? मतलब कितना खर्चा पड़ेगा इसका? टाल मरवाना पड़ेगा। कहाँ मारेगा? आप ही लोग ना मारिएगा, आप ही लोग ना कीजिएगा। फिर ऐसे जाने में रिस्क है, ऐसे जाएंगे तो दिक्कत है गाड़ी चलाने में, ऐसे ही चलाएंगे गाड़ी तो दिक्कत है। कोई नॉर्मल मैकेनिक नहीं मार पाएगा? पूछ लीजिए जरा, तो अपने घर पे मरवा देगा ऐसे। लेकिन टूटा हुआ नहीं था, अचानक पता नहीं कैसे टूट गया भाई। पता नहीं ये कह रहे हैं कि मेरे टायर का स्कोप शायद ये टूट चुका है, इसमें दो तीन स्कोप टूटा हुआ है, तो कह रहे पूरा इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। और भाई क्या नोट कीजिएगा कब सर्विस करके बाहर निकला है वो? क्या नाम है? ललन कुमार, ये वाला ना, ये वाला। टाइम हो रहा है आपका? 1:12:59। हाँ सब हो गया, चले फिर। हाँ ठीक है। तो भाई बाइक हमारी सर्विस होके आ चुकी है अंदर सर्विस सेंटर से, और हम इसको चला के इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देख। तो भाई गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है, स्मूथ चलेगी ही लग रहा है, सर्विस हो चुकी है। तो अपन इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मैं राइड देखता हूँ और देखता हूँ क्या मज़ा आ रहा है। तो बाबा।